नमस्कार, आज हम बात करेंगे कॉपर्टी के ऊपर। ये एक ऐसा उपकरण है जो कि गर्भ निरोधक उपकरण है, गर्भ के निरोध में काम आता है। अनचाहा गर्भ नहीं चाहिए तो ये गर्भ निरोध है। और ये गर्भ निरोधक उपकरण जो है ये अनेक विकल्पों में से एक विकल्प है। आपको पता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक पूरा कैफेटेरिया है। जैसे हम कॉफी हाउस में जाके अनेक टाइप की कॉफीज की पूरा मेन्यू पढ़ते हैं, इसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी कैफेटेरिया अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और उसमें से एक चॉइस कॉपर्टी की चॉइस है। कई लोग इसको इसके साइंटिफिक नेम IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। चलिए बताते हैं कॉपर्टी क्या होता है। ये टी शेप है, तो टी शेप का ये डिवाइस है, इसीलिए इसे कॉपर टी बोलते हैं। टी बिकॉज ऑफ द टी शेप। और कॉपर कहाँ है? इसमें नहीं लगा है कॉपर, इसमें लगा है कॉपर। तो ये वाला हिस्सा जो है इसमें कॉपर है और ये टी शेप है। ये टी शेप क्यों बनाते हैं? ताकि बच्चेदानी जो है उसके अंदर जब हम डालें तो वो आराम से अपनी पोजीशन में अटक जाए इधर इधर, और आराम से सेफ पोजीशन में अपने लग जाए और गिरे नहीं। आपको पता है कॉपर टी 3 साल, 5 साल, 10 साल की भी कॉपर टी है। कॉपर टी 380A जो कि हमारी गवर्नमेंट सप्लाई करती है, वो 10 साल की कॉपर्टी है। यानी कि 10 साल तक अगर वो डली हुई है तो वो एफिकेशियस हो सकती है और आपके गर्भ को रोक सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप गर्भ चाहती हैं तो आपको 10 साल तक रुकना पड़ेगा। आप जब बोलेंगे तब निकल जाएगा वो, और निकलने के बाद अगले महीने ही आप 30% फर्टाइल ऑलरेडी हो गई अपने गर्भ को धारण करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि जो कॉपर्टी की डिवाइस है वो किस में लगनी है। कॉपर्टी का आकार शेप टी शेप होता है। टी में जो ये हिस्सा होता है वो प्लास्टिक का होता है, और ये जो हिस्सा है ये कॉपर का होता है। ये शेप जो है, ये आकार जो है, वो बच्चेदानी के आकार से मेल खाती है, ताकि वो उसके अंदर जाए तो वो ढंग से फिट हो और ये डिवाइस न गिरे। ये जो डिवाइस है ये कोई खाने पीने का डिवाइस नहीं है। ये नीचे योनि मार्ग से बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है। इसके लिए बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती। और आमतौर पे किसको डाला जाता है? नवविवाहित को नहीं डालते हैं। ये आमतौर पे उसको डलता है जिसके एक बच्चा पहले से हो या दो बच्चे हों। कम अज कम एक बच्चा हो, डिलीवरी हो चुकी हो, और उसके बाद डलता है। पर ये किस समय डलता है? डलने को तो डिलीवरी के 48 घंटे के भीतर भीतर डल सकता है। जो सफाई करवाते हैं उसमें भी सफाई के साथ साथ 48 घंटे भी नहीं बल्कि उसी क्षण लग जाता है। अगर आपने डिलीवरी में पहले 48 घंटे में डिसाइड नहीं करा, निर्णय नहीं लिया, तो ये 3 हफ्ते के बाद भी लग सकता है, 6 हफ्ते के बाद भी लग सकता है, 3 महीने के बाद भी लग सकता है। जब हम लोग कॉपर्टी को पहले 48 घंटों में लगा देते हैं तो उसको पोस्टपार्टम IUCD यानी PP IUCD बोलते हैं, यानी प्रसूति के बिल्कुल ही पश्चात 48 घंटों में ये लगा दिया जाता है। और यदि कोई उस वक्त अपना मन नहीं बनाता तो आपको तो मालूम है कि लोकिया जो होता है, यानी कि जो खून जाता है डिलीवरी के बाद, पेपेरियम पीरियड बोलते हैं, ये जो पीरियड होता है ये खून जो है ये 6 हफ्ते तक जा सकता है, तो 6 हफ्ते के बाद लगा सकते हैं। यदि किसी का खून 3 हफ्ते पर रुक जाए तो 3 हफ्ते के बाद भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचा तो अगर सिजेरियन करा है तो 3 महीने के बाद इसको लगाया जा सकता है, जब टांके वांके अच्छे से स्ट्रांग हो जाते हैं और जो स्टिचेस हैं वो घुल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। तो ये जो डिवाइस है इसमें जो कॉपर होता है, इसमें एक मात्रा से कॉपर डाला जाता है, जो हर रोज 0.00 तो नहीं कहूँगी पर इतनी छोटी छोटी माइनर कृत्रिम मात्रा में निकलता है कि वो हमारे शरीर पे असर करता है। किस तरह से असर करता है? जो अंडा हमारी अंडेदानी बनाती है ना, और जो शुक्राणु योनि मार्ग से ऊपर आते हैं ना, तो वो जो अंडा है और ये जो शुक्राणु है इन दोनों को मिलने नहीं देता। और क्योंकि ये एक फॉरेन एलिमेंट है, यानी कि एक फॉरेन डिवाइस है जो कि बच्चेदानी के अंदर है, तो ये अगर गलती से मिल भी जाए अब ये अंडा और ये स्पर्म, तो इन दोनों को फॉरेन एलिमेंट होने की वजह से जगह नहीं देता ढंग से अपनी जड़ गाड़ने के लिए इसके अंदर, बच्चेदानी के अंदर। ये जो कॉपर्टी है इसके साथ अनेक
शंकाएं महिलाओं के तिरो दिमाग में हैं, वो भ्रमित हैं कुछ चीज़ों के बारे में, कहीं पर मिथ्या, सोशल स्टिग्मा, रॉन्ग फैक्ट्स, रॉन्ग बिलीफ्स हैं जिनको हमको हटाना है और फैक्ट्स को इन पोजीशन लाना है। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि कॉपर्टी से फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि ये गर्भ निरोधक है। दूसरा फायदा ये है कि ये 10 साल तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा फायदा कि अगर 10 साल पूर्ण हो गए और आपको दूसरा कॉपर्टी लगाना है, तो जैसे ही आपने निकाला, आपने अगला कॉपर्टी उसी क्षण डाला और आपकी गर्भ निरोध में कोई भी ब्रेक नहीं आई और ये चलता रहा। चौथा, आप 10 साल तक नहीं रुकना चाहती, अब आप अपना बच्चा प्लान करना चाहती हैं, चाहे वो 5 साल वाला हो चाहे 10 साल वाला हो। जैसे ही आपने सोचा कि मुझे बच्चा प्लान करना है, आप कॉपर्टी को निकलवा सकती हैं बिना दर्द के, बिना तकलीफ के, बिना बेहोशी के। फिर कॉपर्टी जो है वो बेहोशी के साथ नहीं लगती है, वो आराम से ओपीडी में लग जाती है। कॉपर्टी उन महिलाओं के लिए उचित समझी जाती है जिन्होंने एक बार प्रसूति करी हो, चाहे वो सिजेरियन से हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो, और खासकर अगर एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, पर जिनके कभी भी बच्चे नहीं हुए, जैसे कि नवविवाहित महिलाएं जिन्होंने कभी भी बच्चे नहीं किए, उनके लिए ये उचित नहीं मानी जाती। ये जो कॉपर्टी है ये बहुत सस्ती होती है। 5 साल वाली कॉपर्टी करीब 250-300 रुपये की आती है और जो 10 साल वाली है वो भी 400-450 की आती है। तो ये बहुत ही सस्ता उपाय है, टिकाऊ उपाय है, चिंता रहित है। और जिस तरह कॉन्डम पहनना पड़ता है उसी वक्त संभोग के समय, उसी वक्त सेक्सुअल एक्ट में, तो वो संभोग में खलल डालता है। वो किसी और पर आप निर्भर हो, अपने पति पर, अपने पार्टनर पे, कि वो उसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। किंतु ये जो है ये उपकरण आपके अंदर डला हुआ है, आप किसी भी समय संभोग करें तो आपको डर भय नहीं होता कि हाँ मेरे को गर्भ तो नहीं अनचाहा हो जाएगा। साथ में जो गोलियां हैं वो हर रोज खानी पड़ती हैं और गोलियों को याद रखना पड़ता है। यदि गोली मिस हो जाए तो फिर अगले दिन गोली खानी पड़ती है, और अगर महीने में 2 बार से ज़्यादा गोली मिस हो जाए तो वो महीना गर्भ आप का ठहर सकता है, वो सेफ नहीं है। पर ये जो कॉपर्टी है ये एक बार डल गई तो सेफ है और आपको याद नहीं रखना पड़ता। इसका जो जैसे गोलियां होती हैं गर्भ निरोधक गोलियां, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है जैसे कि वो स्तन का कैंसर कर सकती हैं, इसमें ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो कॉपर्टी है इसका धागा होता है, वो धागा योनिमार्ग में होता है, डॉक्टर हल्के से धागे को खींचते हैं और कॉपर्टी बाहर आ जाती है। ये देखिए ना कितना आसान तरीका है, जिसमें आप के हाथ में आपका गर्भ निरोध का उपकरण है और आप इसमें सशक्त हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, डिसीजन आपका है कि आप गर्भ चाहती हैं कि नहीं चाहती। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कॉपर्टी के कुछ नुकसान हैं, कोई साइड इफेक्ट्स हैं, कोई एडवर्स इफेक्ट्स हैं। देखिए हर चीज का नफा और नुकसान दोनों होता है, कुछ ना कुछ तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं, पर वो छोटे मोटे। चलिए सबसे पहली बात करें कि जब हम कॉपर्टी को डालते हैं तो वो एक उपकरण है जो कि हमारे बच्चेदानी में डला, और बच्चेदानी को इस फॉरेन उपकरण की पहचान नहीं थी, तो कई महिलाओं को 1 महीने से 6 महीने तक पेट में थोड़ी ऐंठन, थोड़े क्रैम्प्स, थोड़े दर्द आ जाते हैं, यदि उनको पहले महावारी में नहीं होते थे, और अगर होते थे तो थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये जो ऐंठन है इसके लिए मामूली दवाई होती है, और आमतौर पे 3 से 6 महीने पर आपके शरीर को आदत पड़ जाती है इस उपकरण की और आपको कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरा जो इसके साथ साइड इफेक्ट देखा गया, यही 3 से 6 महीने के लिए कि जो महावारी का समय है, महावारी तो बिल्कुल उचित समय पर आती है, पर महावारी के दौरान खून थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो वो जो खून थोड़ा सा ज़्यादा जाता है वो भी ट्रांजिएंट है, यानी थोड़े समय की कहानी है, और 6 महीने तक वो ठीक हो जाता है। यदि वो ठीक नहीं होता या खून बहुत ज़्यादा जाता है तो झट से कॉपर्टी को निकाल दिया जाता है, इसके लिए भी दवाइयाँ हैं। एक चीज़ और देखी गई है कि यदि कोई बच्चेदानी में समस्या है, यानी कि बच्चेदानी का जो आकार है वो इस तरह ना हो कि बहुत बड़ा हो गया हो या टेढ़ा मेढ़ा सा आकार हो गया हो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर या तो कोई गांठ है, गठान है, जैसे कि रसौली है जो कि फाइब्रॉइड जैसी है, या बच्चेदानी का साइज बहुत बढ़ गया है, या उस कुछ ट्यूमर से अफेक्टेड है,
एडिनोमायोसिस है तो साइज बढ़ा हुआ, इन सारी परिस्थितियों में ये कॉपर्टी छोटी सी चीज है, इसका काम था छोटी सी जगह में अटकना। अगर ये इतना बड़ा है तो कॉपर्टी तो अटका ही नहीं, वो फिसल के नीचे आ जाएगा। जब वो फिसल के नीचे आ जाएगा तो जो आपने डिवाइस डाला है वो डिवाइस कॉपर्टी का बाहर ही आ गया, तो वो कभी डल ही नहीं पाया। तो जिनके बच्चेदानी का आकार बहुत बड़ा है या जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी बच्चेदानी है, उस बच्चेदानी के लिए कायदे से कॉपर्टी नहीं बना है। यदि फिर भी डॉक्टर की सलाह से या आपके कहने पे डॉक्टर ने डाला है तो उसके गिर जाने के, कॉपर्टी के निकल आने के चांसेस रहते हैं। अब अगर ये निकल आया है और बाहर ही दिख गया है तो बात अलग है, और अगर उसका धागा आपको दिख रहा है या आप फील कर सकती हैं आपके योनि के बाहर, तो आप डॉक्टर के पास जाए, वो झट से निकाल देंगे। कभी कभी इंटरकोर्स करते हुए, संभोग करते हुए काफी जोर की क्रैम्प्स आते हैं, या वो बच्चेदानी ऐसी ही बच्चेदानी में कॉपर्टी जो है, जो कि अपनी सही जगह नहीं ले पाई, वो हिल जाती है, खिसक जाती है, तो संभोग के दौरान भी कभी कभी ये कॉपर्टी निकल आती है। पर ये आमतौर पे अगर होता है तो पहले ही कुछ दिनों में हो जाता है, और इसका आमतौर पे कारण बच्चेदानी की समस्या है, न कि संभोग। और इस परिस्थिति में कभी कभी जो पति होते हैं वो भी फील कर पाते हैं डिस्कम्फर्ट, अनकम्फर्टेबल फील करते हैं कि ये क्या चीज थी जो बीच में आ गई। तो कभी कभी तो पति ही बता देते हैं कि ये कोई चीज है जो कि रास्ते में आ गई, पतला सा धागा, उसका किसी को महसूस नहीं होता अंदर पड़ा हुआ। फिर ये भी देखा गया है जो कॉपर्टी है, कॉपर्टी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, इसमें कॉपर है। यदि किसी को खुदा ना खास्ता कॉपर की एलर्जी है तो बाहर शरीर के हिस्से में कभी कभी रैशेज या खुजली से हो जाती है, पर ये तो हजारों करोड़ों में कोई एक पेशेंट होगा जिसमें ऐसे होता है। जैसे कि आपने जाना कॉन्डम के बारे में, कॉन्डम जो है वो लिंग पर पहना जाता है, पीनिस पर पहना जाता है, तो वो एक कपड़े की तरह, एक सतह की तरह एक कवरिंग है, जो कि एक फिजिकल बैरियर है लिंग और योनि के बीच में। तो वो जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन हमें मिलती है यौन संक्रमण वाली बीमारियों से, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, गोनोरिया, उससे बचाता है। कॉपर्टी यौन संक्रमण वाली बीमारियों से नहीं बचाता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से नहीं बचाता। इसलिए सबसे सही बात तो हमेशा ये रहती है कि अगर आप कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हूँ या कॉपर्टी भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो साथ में कॉन्डम भी इस्तेमाल करें यदि आपको इसकी शंका है कि आपको यौन संक्रमण न हो जाए। और कभी कभी बच्चेदानी होती है उसके अंदर कॉपर्टी की वजह से, कॉपर्टी के धागे की वजह से नीचे से इन्फेक्शन ऊपर बच्चेदानी के अंदर आ जाती है, बहुत कम चांसेस हैं, पर पेल्विक डिजीजेस भी हो सकती हैं। ये तो सारी कहानी है इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। जी, तो आज हमारा ये टॉपिक रहा, आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत नमस्कार।